الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The question arises, how can we know what planets are made of while they are millions far away? ये जहन में सवाल आता है क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए बताते हैं कि वो ऑक्सीजन है, वहाँ हाइड्रोजन है या हीलियम है, सन पे ये है वो है, तो सन पे तो नहीं कोई पहुँचा जो देखे कि क्या है. तो इसके तरीक़े हैं साइंसदानों ने, दो तरीक़े. देर आर टू वेज टू फाइंड आउट. वन इज़, जैसे कि नासा का आपको मालूम है कि वन ऑफ द वे इज़ टू सेंड स्पेसक्राफ्ट टू द प्लैनेट्स आर एंटर द एटमॉस्फेयर एंड यूज़ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स to find out what the planet is made of. एक तो एक तरीका है, लेकिन ये भी हर planet पर नहीं जा सकता. तो obviously another way is to observe planets from far and learn about them by studying the light they are giving off or they reflect. यानी एक ही ज़रिया है जो बड़ी universal है और बड़ा powerful है, और वो ये कि आपके जो light आ रही है from stars और nebula और पता नहीं कहाँ कहाँ से, उसके लाइट को किसी तरह से एनालाइज करें और मालूम करेंगे उस पर क्या है. तो ये तरीक़ा ज़्यादा कामयाब इसलिए रहा कि इसके लिए हम लोग जो साइंसदान इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर है, जिससे वो अभी इसका स्टडी से मैं दो अप्रैल का है अभी रिसेंट, ये जो स्टार की लाइट आई है उसको बता के आगे चलता हूँ कि ये इट टेक्स 9 billion years टू रीच अर्थ. ये रिसेंट एंड फार्देस्ट जो प्लैनेट मालूम स्टार मालूम हुआ है ये रिसेंटली लास्ट मंथ या इसी मंथ का. तो मैंने कहा कि आपको ये बताने के लिए कि लाइट इतनी दूर से आ रही है, इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि यह लाइट अभी चली थी और अभी आ गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि 9 billion years ago लाइट स्टार्टेड टू कम टू अर्थ, नाउ इट हैज़ रीच नाउ. सो यू कैन इमेजिन के कितना टाइम लाइट को लगा है, जो कि 186,000 miles per second, नॉट इवन आवर पर सेकेंड. तो उसके हिसाब से जो स्पीड से आ रही है उसको 9 million years लगे हैं. तो यू कैन इमेजिन के कितने दूर दूर से लाइट आ रही है. तो इससे इन मोस्ट केसेज वेदर इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली ऑन द प्लानट आर ए टेलीस्कोप लुकिंग अप फ्राम द अर्थ, साइंटिस्ट यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्पेक्ट्रोमीटर. ये स्पेक्ट्रोमीटर है जो लाइट को एनालाइज कर रहा है कि ये कौन सी लाइट है, कहाँ से आ रही है और कितनी दूर से आ रही है वगैरह वगैरह. लेकिन हम आपको थोड़ा सा ये बताएं कि स्पेक्ट्रोमीटर जो है करता क्या है. वो इस तरह लाइट को एनालाइज करता है कि वो उसके लाइट जो आ रही है उसके कलर्स को डिफरेंशिएट कर देता है. बड़ी ऑबियस सी मिसाल है, सब जानते हैं बचपन से, आपने प्रिज्म का नाम सुना होगा. सनलाइट तो वाइट होती है, लेकिन जब उस पर प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 lights में कलर्स में डिफरेंट होती है, और वो आपको उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं. यूज़फुल बिकॉज टर्न आउट एवरी एलिमेंट. होता क्या है कि अब ये जो लाइट आ रही है एलिमेंट्स क्या हैं उसके अंदर किस तरह मालूम करें, तो उसकी जो लाइट को एनालाइज करेंगे तो वो बताएगा कि उसके कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है या सोडियम है, जो भी है. तो अब ये जो सर्टेन कलर्स बनेंगे स्पेक्ट्रोमीटर उसको एनालाइज करेगा, उससे साइंटिस्ट को मालूम होता है कि ये फलानी चीज़ है. तो इसलिए ये इफ़ ये स्प्रेड आउट द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट सी ओनली सर्टेन कलर्स, देन वी कैन मैच दोज कलर द एलिमेंट्स दैट प्रोड्यूस देम. जो कि हमारे पास ज़मीन पे 92 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक लिस्ट है, इसका नाम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो दिया जाता है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जो कि सबको पता है. एंड आई विल शो यू के वो उसके अंदर कौन से खास एलिमेंट्स किस तरह देते हैं. तो एज इफ इट इज़ एवरीथिंग इन यूनिवर्स एज ए फिंगर प्रिंट, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक फिंगर प्रिंट होता है. तो उससे मालूम हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितने मिलियंस दूर उस प्लानट पर है. सो इट्स रियली अमेजिंग टू स्टडी दिस. सो होता क्या है कि सारे स्पेक्ट्रोमीटर जो विजिबल लाइट आ रही है उसको करते थे अब तक मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अब जो है कुछ ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर टेलीस्कोप बनाए हैं जिसके अंदर इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेज जो आती हैं वो कैच करके हमें बताता है कि उसके अंदर कौन सी रेज पे क्या एलिमेंट्स हैं.
लेकिन ये खुद अलग एक साइंस है जिसको समझने के लिए एक अलग कहना चाहिए लेक्चर होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है इस वक्त कि हम इस वक्त एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं जो ये देखना चाहते हैं कि कौन सी लाइट से हमें क्या मालूम होता है। तो मिसाल के तौर पर विजिबल लाइट से हमें बहुत कुछ मालूम हो गया, तो साइंटिस्ट ने देखा कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है फ़िल्टर कर देता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ करो देयर इज़ अ क्लाउड्स इन द स्काई एंड यू कैन नॉट सी स्टार, तो ये टेलीस्कोप से क्लाउड हट जाएंगे और आपको स्टार नज़र आएगा। इन अदर वर्ड्स कि ये फ़िल्टर आउट कर देता है जो दूसरे क्लाउड्स हैं, और ये एक स्पेशल रेज हैं जिसकी वजह से हो रहा है। तो आपको अभी हम ये देखेंगे कि और आगे कि ये स्पेक्ट्रम जो न्यूटन ने प्रिज्म इस्तेमाल किया था और सन को डिफरेंट कलर्स में बताया था, लेकिन सिर्फ ये यहाँ पर ही नहीं है कि रुक गया था, बल्कि इस पर बहुत कुछ काम हुआ है। मिसाल के तौर पर ये जो लाइट हैं रेड ब्लू वगैरह, इनकी खुद अपनी एक एनर्जी है कि इस टेम्परेचर है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा, इनका खुद अलग टेम्परेचर है। फिर इनका ना सिर्फ टेम्परेचर अलग है, इनके वेवलेंथ अलग है। वेवलेंथ से मुराद उसमें अंदर जो एनर्जी है वो डिफरेंट किस्म की वेव्स बनाती हैं, वो अलग है। तो वो इतनी डिटेल में हमको मालूम हो चुकी हैं, तो इसलिए आगे हम चलते हैं कि अब ये जो है ईच एलिमेंट हैज़ इट्स यूनिक स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाने के लिए आवाम को ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, मैंने कहा आपको दिखाऊँ। होता ये है कि जो ये साइंसदान या कोई आदमी इसके अंदर फ्लेम में अगर कोई एलिमेंट जलाए, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड आप जलाएं या कॉपर वायर ले लें, बच्चों को दिखाने के लिए इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप यहाँ के जो चूल्हे हैं उसके ऊपर आप वो कॉपर वायर डालें, बहुत ब्यूटीफुल कलर ब्लूइश ग्रीनिश निकलेंगे और आपको मालूम होगा कि कितना अच्छे, एवरी एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट कलर, तो ये आपको कलर बनाए। तो इन्होंने किया ये है कि ये यहाँ से जला रहे हैं केमिकल को, तो ये इसकी लाइट जो निकल रही है इसको सेंड लाइट फ्रॉम द फ्लेम थ्रू ए नैरो स्लिट देन थ्रू लेंसेज एंड प्रिज्म, ये दो तीन चीज़ें जो लगाई हैं। तो अब यहाँ पर जो आप पर्दा डालेंगे इसके अंदर ब्राइटर लाइंस इन स्पेक्ट्रम शो दैट द सब्सटेंस एमिट्स लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली, जैसे ये नज़र आ रही दो रेड हैं, येलो है, ब्लू है, ये सर्टेन डिस्टेंस पे हैं। ये हर एलिमेंट का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, इसी को फिंगरप्रिंट कह रहा था मैं। और आप देखिए इसके अंदर हम और मिसालों से बताते हैं कि ये मिसाल के तौर पर ये देखिए हाइड्रोजन जो है इसकी लाइट्स यहाँ पर आपने देखी, एक रेड है यहाँ पर 650 के करीब, ये जो वेवलेंथ नैनोमीटर में नीचे इसके ऊपर आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के लाइनें डिफरेंट लाइन इस पर आ रही हैं। इसी तरह से सोडियम की ये आई है, और इसी तरह हीलियम और नियॉन और मरकरी, ये हमने फ्यू लेकर बताने के लिए कि हर एलिमेंट अपना एक ख़ास फिंगरप्रिंट रखता है और इसमें उससे आप पहचानते हैं। अगर कोई लाइट आ रही है मिलियंस माइल से, डजेंट मैटर, अगर उसको आप उससे गुजारें स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये आपको एक स्पेक्ट्रम देगा कि ये लाइट आ रही है। तो आप जैसे ही उसको देखेंगे आप कहेंगे ओह फलानी जगह पर ये वहाँ पर हाइड्रोजन है। इसी तरह से हीलियम मालूम हुआ था सन पर, सूरज पर जो कि हीलियम कैसा है, वो उसके हीलियम के जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रम, ये जो हाइड्रोजन की ऐसी है आपने देखा हीलियम की है। इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि ये लाइन की भी हीलियम की भी वहाँ पर मौजूदगी है। सो दैट्स हाउ दे नो कि हीलियम और हाइड्रोजन जो हैं दोनों सूरज पे सन में हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बना रहे हैं, और वेरी वेरी हाई पावर रिएक्शन जो उस पर हो रहा है, फ्यूजन जिसे कहते हैं, वो सन पे हो रहा है, तो इसीलिए हीलियम बन रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये हीलियम जो है इंडिया में मालूम हुआ था। आप सब सोच रहे होंगे कि इंडिया में इतना बड़ा साइंसदान कहाँ से आ गया जो स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम किया। हकीकतन बात यह है कि इंग्लैंड से एक साहब गए थे इंडिया, वहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहे थे चांद ग्रहण एक्लिप्स, तो उनको ये चीज़ें नज़र आई, तो उन्होंने कहा ओह देयर इज़ अ हीलियम आल्सो इन देयर, सो दैट्स हाउ हीलियम वाज डिस्कवर इन इंडिया। एनीवे दिस फेलो वाज फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये केमिकल फिंगरप्रिंट जो हर एक के अलग हैं, वो उसकी ये जो पीरियडिक टेबल है ये बताने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन वन है, हीलियम नंबर टू है, नंबर थ्री लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन के उसमें दिया हुआ है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, ये तो आपको सब पता है कि इसी तरह से तमाम एलिमेंट्स में इसकी पिक्चर होती है। अब तो ये सिंपल पीरियडिक टेबल है, लेकिन ये बताना मकसद है कि हाइड्रोजन विल लुक डिफरेंट फ्रॉम हीलियम एज यू सा दैट विच इज़ नॉट लुक लाइक अ कार्बन एंड विच विल अगेन इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। सो दिस काइंड ऑफ दस द एस्ट्रोनॉमर्स कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन स्टार फ्रॉम द लाइंस दे ऑब्जर्व फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी।
द साइंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूनिक सोफिस्टिकेटेड इसलिए कि फ्रॉम स्पेक्ट्रल लाइंस एस्ट्रोनॉमर्स कैन आल्सो डिटरमिन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ दैट स्टार. दैट्स इंटरेस्टिंग एनी पॉइंट, इसलिए कि हम सिर्फ ये नहीं जानते कि वहाँ क्या है बल्कि ये भी समझ सकते हैं कि उस होल प्लैनेट पे टेम्परेचर कितना है, उसकी डेंसिटी क्या है, हैवी कितना है वगैरह, ये भी मालूम कर सकते हैं. सो इट इज़ रियली ए वेरी फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ प्लैनेट्स. अच्छा, अब ये होता क्या है कि ये वेव्स या लाइट आती कैसी हैं? इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं पूरे कायनात में, यूनिवर्स में फैली हुई हैं. ये जब से बिग बैंग हुआ है जब से हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सिंपल ये है कि ये जो कोई भी चीज़ मैटर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हर मैटर बना है. तो इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, यानी उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी को एमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकलती रहती है. सो उसकी वजह से कोई भी एलिमेंट जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती रहेंगी. जैसे कि नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों मिलकर चलता है. एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है. जैसे ये हाथ का एक यूं चल रहा है, जैसे बाइक चल रही है, और दूसरा यूं चल रहा है, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों वेव जो हैं ये चलती हैं. बस इसमें सिंपल ये है कि आपको अगर इसकी देखना, अच्छा इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम दिखाऊं, लाइट जो होती है वो इस पूरी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जस्ट लाइक दिस वन. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, कि यहाँ पर आपने देखा कि एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं, एक्सरेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट जो है कलर्ड वाला ये विजिबल है, जिसे आप और हम देख सकते हैं. फिर इधर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो एफएम एम की वेव्स आ रही हैं, फिर लॉन्ग वेव. अब ये सारी वेव्स जो हैं इस वक्त पूरी कायनात में चल रही हैं, यहाँ तक कि हम जो हम बैठे हुए हैं हर शख्स के बॉडी से ये सारी वेव्स गुजर रही हैं. लेकिन हम लोग डिटेक्ट इसलिए नहीं करते कि हमारी मशीनरी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती. लेकिन ऐसे अगर रेडियो को यहाँ रख दें और चलाएँ तो रेडियो वेव्स को कैच करेगा और आपको सुनाएगा जो कुछ भी बोल रहा है. तो क्योंकि वो रेडियो वेव को कैच करने का एक मैकेनिज़म है उसमें. बिल्कुल इसी तरह से हमारी आँख जो है वो एक मैकेनिज़म है जिसे सिर्फ कलर्ड को देखती है, वो जिसे विजिबल कहते हैं. ये विजिबल रेंज जो है देखिए कितना छोटा है. इसको हमने इसे बड़ा करके दिखाया है कि ये 750 मीटर 380 से 750 तक. और इसके अंदर देखिए वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इसको हम लोग कहते थे वाबगायर, याद होगा, याद करने के लिए कि इस किस तरह से ये कलर होते हैं. ये कलर आपकी आँख जो देखती है ये खुद एक अलग मैकेनिज़म है. इसके ऊपर अगर आप कभी मौका दें तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आँख कैसा देखती है. एक ह्यूज मिरेकल है जो आपको समझ में आएगा कि ये एक कलर को किस तरह डिफरेंशिएट करती है कि लाल है, ग्रीन है, नहीं है, वाइट है. ये सब आपकी आँख डिफरेंशिएट कर लेती है विद इन फ्यू सेकेंड, मिली सेकेंड रादर. एंड आप देखते हैं किस तरह देखते हैं वो एक अलग कहानी है. लेकिन ये बताने का मतलब है कि ये पूरे माइक्रो स्पेक्ट्रम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये छोटा पार्ट है जो हम देख रहे हैं, जिससे हम लोगों को देखते हैं, पहचानते हैं, या सूरज चांद रोशनी जो हो रही है उससे हम लोग जो समझते हैं. अब इसके अंदर जैसा कि आपने अभी, मैं रिपीट करूंगा, दिखाऊंगा कि इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो अभी हमने दिखाया था कि लॉन्गर वेवलेंथ पे इज ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसी का पार्ट है ये, और लॉन्गर वेवलेंथ है उसका, यानी इसमें एनर्जी कम होती है. लेकिन ये विजिबल लाइट यानी इससे वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट से कम होती है, बट इट इज़ नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई. अब इस वक्त आ रही होगी हमारे जहनों में, आँखों में, इंफ्रारेड कहीं से भी कायनात के, लेकिन हम देख नहीं सकते इसलिए कि हमारी आँख उसको परसीव नहीं करती जैसे कलर को परसीव कर सकती है. तो ये एक लिमिटेशन है. लेकिन इस लिमिटेशन को इंस्ट्रूमेंट से हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखें अगर तो फिर नज़र आता है. इसीलिए स्पेक्ट्रोमीटर या दूरबीन जो भी आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की, इसके अंदर आवाज़ भी है. सॉरी, किसकी आवाज़? साउंड वेव्स या जरूर है. वो साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है बहुत ही यानी कम है, तो इसकी वजह से आप इतने सुनते नहीं हो. उसके लिए भी जैसे मैंने बताया ना, रेडियो इज ए साउंड वेव, राइट? बट यू कैन नॉट हियर अनलेस यू हैव रिसीवर इन योर बॉडी. बट रेडियो हैज ए बॉडी विच हैज रिसीवर एंड एम्पलीफाई द वेवलेंथ, देन यू हियर. जब तक उसे एम्पलीफाई नहीं करेंगे नहीं सुनेगा, मगर होता है वहाँ पर. तो आपके पूरे बॉडी में एवरीथिंग इज going through but you don't even feel. तो ये ठहर है. इसके बाद इसी को मैंने इसलिए रिपीट किया कि आपको याद रहे कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसके साथ जो नेबर है इसका इंफ्रारेड है. और ये इंफ्रारेड जो है ये स्पेशल वेव्स हैं जो अभी आपको जहन में समझ में आएगा कि किस कदर ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं आपकी और हमारी लाइफ में. और ये देखिए कि उसकी वजह ये है कि आपके जो वो होते हैं
क्या नाम है टेक्नोलॉजी से, रात के अंधेरे में आप देखते हैं तो टेक्नोलॉजी होती है कि अंधेरे में आप एक वेव्स आ रही हैं तभी तो देख रहे हैं, अगर वेव नहीं आती तो नहीं देख सकते थे। तो इंफ्रारेड से आप अंधेरे में देख सकते हैं क्योंकि वो फिर जो है वो मॉडिफाइड करके आपको दिखा रही है। मैंने वो तस्वीरें ज़्यादा नहीं रखी हैं लेकिन आपको सिर्फ कुछ 3 या 4 तस्वीरें दिखाऊंगा जिसके अंदर 2 पिक्चर, 1 इज विजिबल, द अदर इज इंफ्रारेड। ये कैरिना नेबुला जो है 7500 लाइट ईयर्स फ्राम अर्थ है, इसका नाम कैरिन। ये देखिए लेफ्ट पे जो है ये विजिबल लाइट से लिया गया है कैमरे से पिक्चर, और ये जो है इंफ्रारेड से लिया गया। देखिए कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ये सारे क्लाउड ने इनके इतने जितने स्टार्स थे या यूनिवर्स जो इसके पीछे थे वो छुपाए हुए थे, अब इंफ्रारेड इस्तेमाल करने से वो क्लियर हो गया। तो गोया उसने बादल को छांट दिया, हटा दिया, क्लियर कर लिया। तो ये इंफ्रारेड के कैमरे से हमें बहुत चीज़ें ज़्यादा मालूम हुई है। और इसमें देखिए एक अनदर वन इज़ 2.537 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्राम अर्थ ये तस्वीर ली गई थी, और इसमें ये इंफ्रारेड से क्लियर हो गया ये हिस्सा जो क्लियर नहीं था। अच्छा, ये हमारा एक्चुअली एंड्रोमेडा जो है ये एक्चुअली नेबर है हमारा, और आप अंदाज़ा लगाते हैं हमारा नेबर कितना करीब है 7500। तीसरा जो है ये एक नेबुला है जिसे जो 600 लाइट ईयर्स के करीब है, और ये भी इसमें भी आप देखें कितने सारे स्टार नज़र आ रहे हैं जबकि इसमें छुप गए थे। तो ये इंफ्रा लाइट का फ़ायदा ये हो रहा है कि आप यू कैन सी मोर क्लियरली एंड मोर विजिबल देन विजिबल। ये इसलिए मैंने रखा है लास्ट पिलर ऑफ क्रिएशन, दिस वाज ब्रॉट माय सन फ्रॉम एबर्ट आई मीन फ्रॉम बॉस्टन एंड ही आई हैव दिस स्टिल विद मी। एट दैट टाइम इट वाज ओनली विजिबल, तो ये विजिबल था, अब जो है वो इंफ्रारेड का आ गया है। तो देखिए ये बादल छट गए हैं तो आप कितने इसके नज़र आ रहे हैं पिलर्स ऑफ के पीछे छुपे हुए सितारे। ये 7000 लाइट ईयर उस वक्त ये तस्वीर ली गई थी, कोई तकरीबन 20 साल हो गए इस बात को। ऑन द लेफ्ट द पिलर्स आर सीन इन विजिबल लाइट। तो ये था, ये 3-4 मैंने इंफ्रारेड और विजिबल लाइट के पिक्चर दिखाए आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंफ्रारेड जो है वो कितना आपको क्लियर दिखा रहा है देन विजिबल से। हालांकि और भी हैं कुछ, मैं माइक्रोवेव और वगैरह में जा सकता हूँ और दूसरे यूवी में, मगर उसकी इस वक्त ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से मैं IR दिखा रहा हूँ। इंफ्रारेड क्यों दिखा रहा हूँ उसकी वजह ये है कि इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, एक छोटी सी बात आपके जहन में फ्रेश योर माइंड कि जो सूरज से रोशनी आती है हमारे ज़मीन पर इसको तकरीबन 8 मिनट लगते हैं, और इसी तरह से अगर ज़मीन, चूंकि आपको मालूम है सोलर सिस्टम में सन सबको लाइट भेज रहा है, तो आप देखिए सैटर्न में जो है तकरीबन घंटे 19 मिनट लगे, लेकिन प्लूटो पर जो है 5.5 घंटे लगेंगे। यानी लाइट को भी 5.5 घंटे लगेंगे पहुंचने प्लूटो पर, तो इतना दूर उसको रखा गया है कि उसमें लाइट को भी टाइम लगता है। तो ये जहन में एक कंसेप्ट लाने के लिए दोबारा कि लाइट को चलने के लिए भी टाइम लगता है और उसके लिए भी डिस्टेंस चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जहन में रहें। तो अब आते हैं हम आपको एक लेट मी सी वेयर इज इस सवाल पर कि अगर ये बात है कि सारे स्टार्स और कायनात में हर चीज़ लाइट निकाल रही है, भेज रही है, तो क्या इंसान भी भेज रहा है? यानी अपने से कोई चीज़ निकल रही है, क्या हम से लाइट निकलती है? ये सवाल है। डी ह्यूमन गेन्स ऑफ रेडिएशन, दिस इज़ रियली गुड क्रिटिकल क्वेश्चन, बिकॉज अगर रियली यस देन वेरी, अगर कोई तस्वीर आ रही है तो तस्वीर जो है लाइट है ना भाई, तो लाइट अगर आ रही है तो हम देख रहे हैं, तो हमारी अगर रेडिएशन है तो फिर हमारा ये रेडिएशन कहाँ है, किधर जा रहा है, कहाँ बन रहा है? All objects including human bodies emit electromagnetic radiation. Most of the radiation emitted by human body is in infrared. That's why I was emphasizing के IR जो है important, क्योंकि हमसे जो light निकल रही है वो कौन से wavelength में निकल रही है, infrared में निकल रही है। इसलिए हम अगर हम infrared से देखेंगे अंधेरे में, फर्ज कर लीजिए dark, pitch dark है, एक आदमी खड़ा हुआ है विजिबल, आपके जो कैमरा है रेगुलर कैमरा उससे देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन infrared से देखेंगे तो नज़र आ जाएगा। Why? Because इंफ्रारेड रेडिएशन उससे निकल रही है इसीलिए आपको नज़र आएगा। तो ये हुई ना बात कि अब हमारे समझ में आया कि हम भी इंसान भी जो हैं कुछ रेडिएट कर रहे हैं, राइट? तो यस, ह्यूमन गिव्स ऑफ रेडिएशन, इसका ये नासा ने जो एक्सपेरिमेंट दिया बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाथ पे जो है काला बैग छुपा लिया हाथ को, और विजिबल लाइट से तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, देखा आपने, और IR से नज़र आ रहा है, देखा आपने, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, राइट? तो बिकॉज़ व्हाई,
कि IR इंफ्रारेड वेव्स निकल रही हैं इससे, इसलिए आप देख सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और दिस इज़ रियली थिंक कि किस तरह से हम जो है, हम इससे नावाकिफ थे कुछ दिन पहले ही, लेकिन अब जो है ये बात मालूम हो गई कि ये विजिबल लाइट से नहीं जो देख सकते हैं, वो इंफ्रा लाइट से देख सकते हैं. अच्छा, अब हम ज़रा थोड़े सा हम इमेजिनेशन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लाएंगे, वो ये कि वी नो डेट लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 186,000 मील फी सेकेंड के हिसाब से लाइट चल रही है, ये तो सब जानते हैं, राइट. और उसको अगर कोई कोई चीज़ देख रहा है, कोई फर्ज कर लीजिए, और वो 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे अगर है, सपोज़ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो 13 बिलियन ईयर्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, सॉरी, इन अदर वर्ड्स वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्ड 13 बिलियन ईयर्स अगो, यानी जो चीज़ हम अब देख रहे हैं वो 13 बिलियन ईयर्स अगो ऐसी थी. अब हम नहीं कह सकते अब वो है भी या नहीं या मूव हो गई है, तो ये जहन में रखने के लिए कि 13 बिलियन ईयर्स अगर कोई चीज़ अब देख रहे हैं तो वो उस वक्त चली थी इतने साल पहले, इतने यानी दूर और इतने साल पहले. तो अब ये चीज़ को जहन में रखें अगर, तो हम एक ऐसे सिनेरियो को लाते हैं इंफ्रारेड के थ्रू, वो ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई आदमी अर्थ पर 1,000 साल पहले चल रहा है, और आप किस जगह पर खड़े हों कि उस आदमी को देखें, क्योंकि 1,000 साल पहले वो चल रहा था, जिंदा था, और उसकी एमिट जो इंफ्रारेड निकली थी वो यकीनन लाइट की स्पीड तो 186,000 मील फी सेकंड है ही, तो वो तो चल रही है, तो इस वक्त वो कहाँ होगा, उसकी तस्वीर इस वक्त कहाँ होगी, ये आपको अगर देखना है तो आप देखिए, हिज इंफ्रारेड इमेज स्टार्टेड ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, वी शुड बी ऑन द प्लैनेट XIR1 दैट वुड बी दिस माइल्स अवे फ्रॉम द सिक्स, आफ्टर सिक्स यू हैव टू पुट 15 जीरोज, यानी इतने दूर अगर माइल पे हैं आप, इसको क्वाड्रिलियन माइल्स समझ लीजिए, सिक्स क्वाड्रिलियन माइल अगर दूर हैं, और वो प्लानेट का नाम मैंने फर्जी नाम रखा है प्लानेट एक्स IR1, ताकि आप IR कैमरे से देख रहे हैं, अगर फर्ज कर लीजिए वहाँ खड़े हैं आप, तो वो जो उसकी लाइट चली थी यानी उसने जो इमिट की थी इंफ्रारेड, वो आप वहाँ देख सकते हैं, मगर आपको कहाँ होना होगा, आपको इसकी प्लानेट यहाँ पर होना चाहिए इतना दूर. इसकी मिसाल यूँ है कि मैंने एक कार्टून बनाकर इसको बताने की कोशिश की है, इसको यूँ रख लीजिए, टॉप पे जो सर्कल है वो प्लैनेट एक्स IR1 का है, अर्थ लेफ्ट साइड पे जो है, इससे रेज निकली 1000 ईयर्स अगो, डिस्टेंस शुड बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू द पावर 15 माइल्स, मींस 6 क्वाड्रिलियन माइल्स अवे वो प्लैनेट हो राइट नाउ, तो आप 1000 ईयर पहले की तस्वीर देख सकते हैं विद योर IR कैमरा. आर यू विद मी? सो नाउ इफ यू सी द अनदर प्लैनेट विच शुड बी विच इज हियर ऑन द राइट साइड डाउन, 2000 साल पहले का आदमी जो चल रहा था, उसकी तस्वीर इंफ्रारेड में कहाँ होगी? उसकी तस्वीर इंफ्रारेड में यहाँ होगी प्लैनेट एक्स IR2 में, जो के 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू स्क्वायर, आई मीन 15 टू द पावर 15, मीन्स 12 क्वाड्रिलियन माइल्स, इतने दूर अगर होंगे आप, तो उस प्लैनेट पे आपको IR कैमरे से आप उस आदमी की तस्वीर देख सकते हैं. जैसे कि हमने इब्तिदा में बताया था कि हर शख्स जो है इंफ्रारेड रेडिएट कर रहा है, तो इन अदर वर्ड्स ही इज सेंडिंग हिज पिक्चर्स समवेयर इन द स्पेस आर समवेयर, सो इट इज देयर समवेयर, बट इफ यू वॉन्ट टू सी यू शुड बी ऑन दैट प्लैनेट एट दिस टाइम, देन यू कैन सी द गाय हु इज वॉकिंग ऑन द प्लैनेट. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि ज़रा पिक्चर क्लियर हो कि इंसान की तस्वीर जो बन रही है वो कहाँ है और किस तरह बन रही है और कहाँ देखी जा सकती है. तो अब मैं थोड़ी सी देर आपके ध्यान जो है एक तरफ लाऊंगा, इसको आप बैकग्राउंड में आपके आ गया कि IR क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या है, लाइट्स क्या हैं, विजिबल लाइट, ये सब हो चुका, जहन में आ गया. अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जाऊंगा जो आप सब जानते हैं, वो क्या है? साइंटिफिक लॉज. साइंटिफिक लॉज ऑफ वर्ल्ड जो है वो ये होता है कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, केपलर का लॉ ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ये फिजिक्स के हमने केमिस्ट्री के फिजिक्स के हमने पढ़े थे, तो आपको भी याद होगा कि उसके कुछ फार्मूले होते हैं. इसी तरह से कुछ और लॉज हैं, मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इस तरह साइंस के कुछ लॉज हैं जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो प्रूफ हो गए हैं कि वो सही हैं.
आपको मालूम होगा कि उसी की वजह से हम बहुत से मसाइल हल करते हैं दुनिया के फिजिक्स के. लेकिन देर इज़ अनदर थिंग. अच्छा ये एक और ला है जो आजकल बहुत मशहूर है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में, आइंस्टाइन ला जिसे कहा जाता है. तो इस इज़ अ मोस्ट फेमस एंड मोर रिसेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने न्यूटोनियन इरा को ख़त्म कर दिया. अब आइंस्टाइन इरा है, न्यूटोनियन इरा ये था कि मादा जो है, मैटर जो है, कभी क्रिएट नहीं हो सकता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. अब वो नहीं है, नहीं, हम जो चीज़ें देख रहे हैं जो मैटर में है, एक्चुअली ये एनर्जी हैं जो कन्वर्ट होकर मैथ्स में आ गई हैं. इज़ अ ब्यूटीफुल कन्वर्जन, राइट. अब देखिए, अब इस चीज़ को जहन में रखिए कि दुनिया के तो ये ला हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी है जो हम लोग आजकल पढ़ते रहते हैं, वो उसका नाम है लाज ऑफ नेक्स्ट लाइफ. अब सवाल ये है कि नेक्स्ट लाइफ का ला किसे मालूम होगा? जब तक हम उस लाइफ में जाए नहीं, हमें उसे देखे नहीं, हम एक्सपीरियंस नहीं है हमें, तो हमें नहीं मालूम होता. लेकिन एक सोर्स है जहाँ से हमें मालूम होता है कि देर इज़ सम लाज इन द नेक्स्ट लाइफ, और वो लाज सिर्फ हमें कुरान से या आसमानी किताबों से मालूम होते हैं, राइट. तो अब देखिए, हमने ज़्यादा नहीं, सबके सब नहीं लिया हूँ मैं, थोड़े से मैंने आपको यहाँ पर यानी रेफरेंस के तौर पर लाया हूँ कि A day of your Lord is like 1,000 years of what you count. ये कुरान में जैसा कि तस्करा है कि तुम तो एक दिन समझते हो, अल्लाह का एक दिन तो पता नहीं कितने हज़ारों का है. तो मुहावरे के तौर पर, ये नहीं कि 1,000 ही हो, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो है लाज जो है, ये एक मिसाल के तौर पर. ये दूसरी लाज ये है कि फ़र्ज कर लीजिए कोई यहाँ पर वाइन पीता है, शराब पीता है, तो सबको पता है कि सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है. ये सारे उस इफेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर इस दुनिया में. लेकिन कुरान में यह है कि वहाँ पर जो तुमको शराब मिलेगी, उसमें ना तुम्हें एब्डोमिनल पेन होगा, ना हेडेक होगा, ना इंटॉक्सिकेशन होगी, ना फैटी हो, कुछ नहीं मिलेगा. यानी इसका मतलब है वहाँ के लाज कुछ डिफरेंट है, वहाँ की शायद ह्यूमन बॉडी भी डिफरेंट हो जो इस चीज़ों को नहीं ले, वल्लाहु आलम. लेकिन जो चीज़ मैं लाज बताना ये चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर एक स्टोरी और उसमें आई है कुरान शरीफ में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वो ये है कि जन्नत में लोग बैठे हुए हैं. अल्लाह ताला, देखिए, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ गायब नहीं है, वो तो हर चीज़ को जानता है. वो तो हमारे लिए गायब है कि जन्नत में कौन है और क्या कह रहे हैं. अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कि जन्नत में कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. उनमें से एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर हालात पूछते हैं. उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? क्या वाकई हम जब मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजरा बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी? वो ये सवाल जहन में आता ही हर एक के. अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो मेरा बड़ा लंगोटिया यार था, वो कहाँ है? मेरे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे हमारे महफिल में नज़र नहीं आ रहा है. ये कह के वो जब यूँ देखेगा नीचे तो उसको जहन्नम का कुआं नज़र आएगा और उसमें वो नज़र आएगा, और जो ही वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में उसको देख लेगा. उससे खिताब करके वो कहेगा, खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाही कर देने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं. ये स्टोरी जो कुरान शरीफ में बयान की है, ये बताने के लिए कि जो लंगोटिया यार है तुम्हारा, वो कौन है? वो तुम्हारा शैतान है जो हमेशा लगा हुआ है साथ में, ये बहकाता रहता है, तो इसलिए तुम जो होशियार हो जाओ. ये अल्लाह ताला ने मिसालें देकर बताते हैं कि अगर तुम करोगे तो तुम भी उसी में शामिल हो जाओगे. अब इससे क्या मालूम हुआ? अब इससे देखिए, इस स्टोरी को पढ़ने पर कुछ चीज़ें सामने आईं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आईं. वो क्या? This shows how powerful will be a man with hearing, seeing and speaking power is in hereafter. Sitting in the paradise, he would be able to see a person who is thousands of miles away in hell without the help of any television set. Then they not only just see each other but also communicate with each other and directly without the medium of telephone or radio or any instrument. So ye cheez hai, ye hua ki in the next life there would be no time limit to travel for a person from one place to another. He will think to go somewhere and he will be there. तो ये यानी पावर होगा उसका कि जो भी जो सोचेगा वहाँ चला जाएगा. क्योंकि ये आपने देखा कि वहाँ के लाज जो हैं यहाँ के लाज से कितने मुख्तलिफ हैं. मिसाल के तौर पर एक अनदर वन, हम कहते हैं कि अगर हराम का माल खा लिया तो तुम्हारे पेट में आग भर रहे हो तुम. भाई, हराम के माल तो बहुत से लोग खाते हैं, किसी का पेट में दर्द भी नहीं होता, तो कहाँ हो रहा है फिर? किसी के तो छाले, मुंह पे छाले भी नहीं पड़ता, वो तो और भी खाया जा रहा है. तो ये यहाँ का कानून हुआ, मगर वहाँ जाएगा वही माल जो है आग बनेगा. ये मतलब है कहने का, वहाँ का कानून डिफरेंट है. तो ये जहन में रहना चाहिए कि हमारे ये दो कानून चल रहे हैं. अच्छा, अब देखिए एक और ये छोटी सी मिसाल सामने आई कि अगर इंसान को यहाँ पर किसी को आग में डाल दें तो क्या होगा? जल जाएगा, जाहिर है, यकीनन जल जाएगा. लेकिन वहाँ ना फिर ना मरेगा और ना जिएगा, ये कुछ डिफरेंट ला है फिर वहाँ पर. इसका मतलब ये है. तो ये एक और जहन में आया था तो मैंने कहा इसको भी मेंशन कर दें. अच्छा, अब दोबारा आइए. All objects including human bodies emit electromagnetic radiation. Most of the radiation emit by human body is in infrared. ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कहाँ पर अगर आप खड़े हों तो ये आपकी लाइफ जो इस वक्त एमिट कर रही है कहाँ नज़र आएगी. तो एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ रिकॉर्डेड इन स्पेस एज वी नो
now know that the video of our life is in making. As long as you are alive, you are making a video of yourself. Electromagnetic waves, infrared, we are producing every single moment. अब देखिए ये बात समझ में आती है कुछ. तो a person will see all the action of his life just like we see a far away galaxy with a binocular. जैसे हम इस वक्त वहाँ खड़े हों, जैसे मिसाल दिया आपके millions, billions miles away, तो हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं कि infrared से आ रही है. तो अब देखिए, maybe you would be able to see infrared photos of ourselves very clearly. यानी ये भी possible है कि दूसरी दुनिया में हमारी आँख जो है इस वक्त तो IR नहीं देख रही है, infrared नहीं देख रही है. कोई बईद नहीं कि वहाँ भी देखे. उसकी एक मिसाल भी सामने आई, वो ये कि अगर आप ये आयत को पढ़ें, फकशफना अनका गिताका फबसरक अल्यौम हदीद, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था और आज तेरी निगाह खूब तेज देख रही है. व्हाट इज दैट मीन? यानी आप इंफ्रारेड देख सकते हैं उस वहाँ पर उस लाइफ में, जब ये तो बात कही गई है. तो ये कितना खूबसूरत है कि ये पर्दा जो आप इस वक्त पड़ा हुआ है, जो हम IR को नहीं देख सकते हैं, वो उस वक्त IR की पिक्चर को देख सकते हैं जो कुछ भी हमने बनाया है. और अब सॉरी, बहुत ही आगे चला गया ये. हाँ नहीं, ठीक था. तो ये जो है, आपने ये सब जो मैंने बैकग्राउंड सुनाया है उसकी वजह क्या है? ये सारा बैकग्राउंड इंफ्रारेड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और इस दुनिया के कानून का, और उस दुनिया के कानून का, ये जो कुछ बनाया है उसकी मेजर जो रीज़न है वो ये एक सूरत है जिसके अंदर आप हैरान होंगे कि 1400 साल पहले ऑडियो एंड वीडियो दोनों का तस्करा किया गया है. कैसे? देखिए, इजाज़ुल ज़िलतुल अर्ज़ु ज़िलज़ालाह में, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी, यानी ये जलजला जो है वो ऐसा वैसा जलजला नहीं है कि ईरान में आ गया, अफगानिस्तान में आ गया, ऐसा नहीं है. ये पूरी 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 दुनिया का जलजला है. ये जलजला हाँ में जो इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर एम्फेसिस है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि इसका क्या हो रहा है. इसका मतलब है कि इंसान जब जिंदा होकर खड़ा होगा, उसको खुद हैरत हो रही होगी कि ये दुनिया में क्या हो रहा है. उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी. वट इज़ दैट मीन? कौन बयान करेगी? यानी ज़मीन बयान कर रही है कि ए बंदे, तूने इस पर क्या किया था. तो ये बड़ा हैरत की बात थी. और अब क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा, अब सवाल पैदा होता है कि ज़मीन कैसे बोलेगी, ज़मीन की ज़बान कहाँ है जो बोलेगी. तो अल्लाह ने कहा कि हाँ, ये इसलिए बोलेगी कि उसका हुक्म था. उसकी एक और मिसाल भी है कुरान में कि हमारी जिल्दें, हमारे हाथ, हमारे पाँव ये बयान देंगे हमने क्या किया था. तो किसी ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, कि बल्कि कुरान में ही है कि तुम हमारे ख़िलाफ़ बयान दे रही हो. हाथ को पाँव को कहेगा तो वो कहेंगे कि वही अल्लाह जिसने सबको बयान करने का वो ताकत दी थी, उसी ने हमको भी ये ताकत दी कि हम बोलें. तो ये उसका कुरान में खुद जिक्र है इसका. तो अब जो है, क्यों? अच्छा, बयान करेगी क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा. उस रोज़ लोग मुतफरिक हालात में पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएँ. यानी ये दूसरी स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है कि वो उसके हालात ज़मीन टेप रिकॉर्ड के तौर पर बयान कर रही है कि इसने क्या किया, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड. दूसरी चीज़, तस्वीर दिखाई जाएगी कि तुमने क्या किया. देखो ये मूवी तुम्हारी, देखो ये वीडियो तुम्हारा, ये दिखाया जा रहा है. सवाल ये है कि आप देखिए, इसको जहन में रखिए, आगे चलते हैं. फिर जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी उसको देख लेगा, जिसने बराबर भी बदी की होगी वो उसको भी देख लेगा. अब लफ्ज़ देखना जो है, इस पे ज़रा जहन में रखिए. अब हम आगे चलते हैं थोड़ी देर. योम इज़ इन तहदस अखबार हा डेट विल इट विल रिलेट हर क्रॉनिकल्स. यानी जो जो उस शख्स ने किया है वो बयान करेगी. कौन? ज़मीन. ये अब देखिए, अब हदीस की बात है. अकॉर्डिंग टू अबू हुरैरा द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड दिस वर्ड्स एंड आस्क्ड. देखिए, हुजूर पूछ रहे हैं अपने साथियों से, डू यू नो वाट क्रॉनिकल इट विल रिलेट, ये ज़मीन क्या बोलेगी. द पीपल सेड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव द बेस्ट नॉलेज. देयर अपॉन द प्रॉफिट सेज द क्रॉनिकल्स आर डेड, द अर्थ विल टेस्टिफाई टू द डीड्स विच एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ डन ऑन इट्स बैक. इट विल से ही आर शी हैड डन सच एंड सच ए थिंग ऑन सच एंड सच ए डे, दीज विल बी द क्रॉनिकल्स द अर्थ विल नरेट. ये हुजूर सल्लम सवाल खुद करते हैं ताकि बताएँ, तालीम देने का एक तरीका है कि तुम्हें मालूम है क्या कहेगी. तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है अल्लाह. तो उन्होंने कहा कि ये कहेगी. ये देखिए, सवाल करके एक्सप्लेन किया हुजूर ने किस बारे में, ऑडियो के बारे में.
अब रीसेंट हिस्ट्री में मालूम हुआ है कि हम जो आप जो बोलते हैं ये भी हवाओं में या किसी चीज़ पर सबत हो जाता है, मुर्तसम हो जाता है, उस पर लिखा जाता है उस पर, जैसा कि ये बात 1400 साल पहले नहीं समझी जा सकती थी कि कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज़ वापस उसको रिपीट कर सकती। इट माइट बी ए डिफ़िकल्ट फॉर ए मैन ऑफ 1400 ईयर्स अगो टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ विल स्पीक एंड नरेट द क्रॉनिकल्स एंड एवेंट्स हैपनिंग ऑन इट ऑन इट्स रिजरक्शन डे, बट इन द प्रेजेंट एज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज and the invention of cinema, loudspeaker, tape recorder, it is no longer difficult to understand how the earth will narrate, right? This is so amazing कि अब हमारे समझ में आ गया, हालांकि ये 50 साल से हम लोग समझ रहे हैं कि यानी टेप रिकॉर्डर क्या चीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई पिछले एक दो दिन पहले मेरे सामने, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। MIT में कुछ साइंटिस्ट जो हैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो हुआ क्या कि एक कमरे में इन्होंने म्यूज़िक लगाई और साउंड प्रूफ गिलास लगा दिया और उसके बाद म्यूज़िक चला दी। अच्छा, एक जो वो होता है ना पोटैटो चिप्स का बैग, वो खाली बाहर फेंक दिया, ऐसे ही पड़ा हुआ था वहाँ, या पता नहीं पड़ा हुआ था या फेंका हुआ था। तो वो जब म्यूज़िक ख़त्म हो गई तो वो उन्होंने एक आले से, एक इंस्ट्रूमेंट से देखा कि क्या ये आवाज़ जो हमने अभी की थी, हालांकि वो साउंड प्रूफ में थी, उस चिप बैग से आवाज़ आती है कि नहीं। उन्होंने जब मालूम किया तो वो जो म्यूज़िक अंदर बज रही थी वो चिप बैग के ऊपर जो है वो वाइब्रेशन से फिट हो रही थी और उन्होंने वो सुना। अब देखिए द प्रूफ रिसेंटली अगस्त 4, 2014 रिवील्ड बाय MIT साइंटिस्ट इन इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश बाय MIT न्यू ऑफिस। वो क्या था के रिसर्चर एट MIT रिपोर्टेड दे वर एबल टू रिकवर इंटेलिजिबल स्पीच फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ ए पोटैटो चिप बैग फोटोग्राफ फ्रॉम 15 फीट अवे थ्रू साउंड प्रूफ ग्लास। ये पूरा पेपर मैंने पढ़ा है, अगर आप किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं इसका रेफरेंस लाया हूँ और उस रेफरेंस ये है, कभी आप ले लीजिए मुझसे और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि आप अब ये साबित कर सकते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स की जो चीज़ आपने कही दोबारा सुन लीजिए, किससे, किसी भी चीज़ से जो बाहर पड़ी है या आवाज़ जिससे आप रिपीट कर सकते हो। तो दिस इज़ रियली रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ ऑडियो, बट द क्वेश्चन इज हाउ अबाउट वीडियो। तो अब आप बताइए हुजूर सल्लम ने ये सवाल क्यों नहीं किया। इसमें दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो ऑडियो का है, एक वीडियो का है। तो ये ऑडियो का तो सवाल किया और हुजूर को मालूम था कि ऑडियो के बारे में समझाना इजी है, मगर उनको पता था हुजूर को कि अगर वीडियो के बारे में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिक्चर लेना इनको अभी कुछ पता ही नहीं है कि पिक्चर कैसे होती है। ऑडियो का तो समझ में आ सकता था क्योंकि वो आप मालूम है गूंज की आवाज़ है और कुरान की तफसीरें उससे भी मालूम होता है, लेकिन वीडियो जो है वो तस्वीर कैसे बनाई जाएगी और वो कहाँ पर वो रिपीट होगी उसका कोई क्लू नहीं था। तो हुजूर सल्लम को पूरी साइंस समझानी पड़ती और समझाते तो भी नहीं समझ में आती क्योंकि बैकग्राउंड भी तो चाहिए ना, तो इसलिए उस पर सवाल नहीं किया गया और इंसान को 1400 साल तक छोड़ दिया गया और अल्लाह की तरफ से जो इल्म आया वीडियो का उसने बता दिया कि देखो तुम्हारा वीडियो बन रहा है। कहाँ बन रहा है और किस रेस से बन रहा है? इंफ्रारेड से बन रहा है, जिसे तुम भी नहीं देख सकते अनटिल यू हैव सम स्पेशल गैजेट एंड दैट स्पेशल गैजेट विल यू आल्सो मेक यूर सेल्फ। दिस इज़ रिमार्केबल। तो ये दो चीज़ें जो इस सूरत के सामने आई, तो मैं बहुत दिनों से इस पर वो कर रहा था कि या अल्लाह इसमें दो चीज़ें आपने बताई, एक तो ऑडियो बताया और दूसरा वीडियो बताया। तो ऑडियो पे तो हुजूर ने एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो पे तो कहीं नहीं किया, उसकी क्या वजह है? तो वजह अब समझ में आती है कि आयतुल कुर्सी में कि जब हम चाहते हैं इल्म जबी देते हैं, तो यू वेट फॉर ए मिनट, हमारी मर्जी होगी तो इल्म आएगा, तुम सर ऊपर नीचे कर लो तुम्हारे को इल्म नहीं आ सकता। ये साइंसदान की हैसियत से मुझे बहुत तजर्बा है, तो इंशाल्लाह आपको भी मालूम होगा कि साइंसदान चाहे कितना ही सर मार ले वो चीज़ नहीं सॉल्व कर सकता जब तक के ऊपर से हुक्म ना आए, इसका तजर्बा हर साइंसदान को होता है। तो इफ़ अल्लाह सो विल ही कैन मेक दीज थिंग्स रिपीट ऑल दीज वॉइस प्रिसाइसली इन द वे दीज वे अटर इन द फर्स्ट इंस्टेंस मैन विल हियर विद हिज ईयर एंड नो व्हाट इट वॉज हिज ओन वॉइस। अच्छा, ये तो थी इस पर तबसरा, लेकिन योमिजी युसदुरुनासाता लियोरो एमाल हम डेड डे द पीपल विल डिपार्ट सेपरेटेड, यानी हर एक को अलग अलग बताया जाएगा, उसका सबूत भी कुरान से है। देखिए ये कुरान में सूरह यानी यहाँ पर
surah Allah naam mein hai. So you have come to for us all alone as we has created you the first time. Yani har aadmi Allah ke samne akela pesh kiya jayega. He will appear before us all alone again in surah Maryam. And here also and every one of them will be presented before him individually on the resurrection day, verses 95. So ye se bhi malum hota hai ki Allah Taala har ek ko bula kar har ek ki apni videos ko dikhayega, that they are shown their deeds, that is each one will see what he did in this world. So yeah, whatever anyone has done anywhere on earth, even if he did something in pitch dark, there are such rays in the kingdom of God, they can preserve his image in any case. So aap dekhiye ki all these images will pass before a man on the resurrection day like a video, and will be shown to him when and where he had done something during his life on this earth. And now we have some idea where our photos are being made and where they are. And now you can say ek yom is in tohid dis akhbar ke mane ye ek audio hai aur dusra jo hai liro amal hum tumko dikhaye jayenge majhul ka zikr dikhaya jayega tum dekhoge nahi hai dikhaya jayega tumko aur ye hai wa rabbaka alam biman fis samawati wal ard and your lord is most knowing of whoever is in the heavens and the earth. Sadaqallahu alazim.